नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से आई प्रलय में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। तपोवन एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रविवार रात से ही कोशिशें जारी हैं। सोमवार रात भी पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जानकारी है कि सुरंग में 39 लोग फंसे हुए हैं और अब तक किसी को भी नहीं निकाला जा सका। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। आईटीबीपी देहरादून के सेक्टर हेडक्वार्टर की डीआईजी अपर्णा कुमार ने बताया है कि यहां काम पूरी रात चला है, बहुत सारा मलबा हटाया गया है, लेकिन अभी तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया। कल रात भर वहां पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का, पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो दो लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि अंदर जाने में ही काफ़ी समय लग रहा है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है, अभी तक कोई रिकवरी या कोई मिले नहीं है। अभी नहीं मिल पाई है, अभी कोई कोई सूचना नहीं है। ओवर जो पूरा टोटल हम करें अभी तक कितनी बॉडीज रिकवर हुई, कल तक तो यही था कि कल लगभग करीब 18 से 20 डेड बॉडीज निकाला गया है टोटल। सीमांत नीति घाटी के गांवों में आपदा प्रबंधन और आईटीबीपी की टीमें पहुंच रही हैं। आईटीबीपी के जवान यहां राहत सामग्री पहुंचाने की दुर्गम कोशिशें कर रहे हैं। आपदा में चार पुलों के बह जाने के कारण क्षेत्र में जाना मुश्किल हो गया है। आईटीबीपी की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए लैंडिंग के बाद ट्रैकिंग कर आपदा ग्रस्त गांवों में पहुंची है, जहां टीम ने राशन, दवाई और जरूरी सामान पहुंचाया है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों के लगातार लापता होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ, आ रहे आ रहे फोन अपना, आ रहे आ रहे, ये लो अपना फोन सर। रेस्क्यू टीम आज भी टनल से कीचड़ को हटाकर भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है, लेकिन टनल में कई कई फीट तक गाद जमा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। जहाँ सीधी लाइट पड़ रही है वहाँ पर होता है 100 मीटर, वहाँ 100 है, उससे 20 मीटर और आगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इसके बाद सीएम रावत जोशीमठ में आईटीबीपी अस्पताल में जाकर रेस्क्यू किए गए लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।